हेलो एवरीवन आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम नए तरीके का नाश्ता जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है और दिखने में तो इतना टेस्टी है एकदम नया तरीके लुक है इसके अंदर और एकदम यमी रेसिपी है एकदम टी टाइम के लिए ना एकदम परफेक्ट रेसिपी है और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग की तैयारी करेंगे फिलिंग के लिए मैंने एक चम्मच ऑयल में पहले लहसुन डाल दिया है थोड़ा अदरक भी डाल दिया है इसके अंदर और साथ ही साथ एक छोटा चम्मच मैं यहाँ पे जीरा भी डाल रही हूँ इसको थोड़ा सा सौते होने देते हैं तब तक हम एक हरी मिर्च भी डाल लेते हैं और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर चार से पाँच आलू उबले हुए मसले हुए इसमें ऐड कर दिए हैं थोड़ा सा हम इसको पका लेते हैं ये फिलिंग सबसे अलग बनेगी इसलिए ये फिलिंग ना सबसे ज़्यादा टेस्टी बनती है इसमें हम यहाँ पे दो बड़े चम्मच डाल देते हैं उबली हुई मटर और इसके साथ भी इसको मिला लेते हैं आलू मटर का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है साथ ही साथ आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है एक छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है और अब मैं साथ ही साथ इसमें हल्दी भी ऐड कर देती हूँ बहुत अच्छा सा रंग देने के लिए बहुत अच्छा सा टेस्ट देने के लिए आधी छोटी चम्मच यहाँ पे गरम मसाला पाउडर आप डाल दीजिए या कोई भी किचन किंग मसाला जैसे होता है ना सब्जी मसाला वो कोई भी आप डाल दीजिए और इसको आप अच्छे से चला लें तो यहाँ पे जो मटर है मैंने थोड़ी सी मसल ली है क्योंकि हमने उबली हुई मटर डाली है तो मसलनी आसान है और अब इसमें देते हैं पुदीने का अच्छा सा फ्लेवर ये सूखा हुआ पुदीना है मैं सुखा के रख लेती हूँ इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और यहाँ पे हरा धनिया हम थोड़ा सा डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पुदीना इसको बहुत अच्छा लुक देता है बहुत अच्छा टेस्ट देता है इसलिए मैं कह रही थी कि ये फिलिंग सबसे ज़्यादा अलग है और सबसे बहुत पसंद आती है तो बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अच्छे से भून चुके हैं हम और अब मैं इसको साइड रख देती हूँ ठंडा होने के लिए तब तक हम ऊपर की लेयर बनाते हैं यहाँ पे मैंने डेढ़ कप लिया है गेहूँ का आटा और इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच ये है चावल का आटा ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये ज़रूर डालिए आधी छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने अजवाइन डाली है थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर लेते हैं और इसके बाद ही मैं यहाँ पर दो बड़े चम्मच ऑयल डाल देती हूँ नॉर्मल रिफाइंड ऑयल है और बस इसको मैं अच्छे से इस तरीके से पहले मिक्स कर लेती हूँ ताकि ऑयल है और जो आटा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो बस ये आपस में मिल चुका है अब मैं यहाँ पे नॉर्मल पानी से इसका एक सॉफ्ट आटा तैयार कर लेती हूँ तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते डालते एक सॉफ़्ट आटा बना लेना है ध्यान रखेंगे बिल्कुल ऐसा आटा ना हो कि बिल्कुल बहता हुआ हो बस हल्का हल्का सा सॉफ्ट आटा हो और लास्ट में आप थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको लास्ट में जैसे हम मांड लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से एक सार कर लें और बस अब इसका मैंने एक पेड़ा काट लिया है और यहाँ पे मैं इसको बेल लेती हूँ आप चाहें तो यहाँ पे आटे को थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं लेकिन मैंने लगे हाथ ही मान लिया था और लगे हाथ ही इसको बनाना शुरू कर लिया है तो इसको हम पहले गोल काट लेते हैं और देखिए गोल मठाई मैंने इतनी रखी है जितनी हम रोटी की रखते हैं तो अभी तो आप चाकू ले सकते हैं या इस तरीके से अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप यहाँ से इस तरीके से हमें पहले चार पीस करेंगे जैसे हम पिज़्ज़ा के करते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से चार पीस कर लेंगे उसके बाद उसके आठ पीस कर लेंगे मतलब कैसे इसको भी हाफ़ कर लेंगे तो एक चौथाई को भी हमने हाफ़ करना है तो ये लीजिए हमने हाफ़ कर लिया दूसरी तरफ भी हाफ कर लिया ये टोटल आठ पीस हो गए अब क्या करेंगे जो इसकी जो लास्ट वाला है ना उसमें तीन कट्स लगाएंगे कुछ इस तरीके से तो यहाँ पे मैंने दूसरे वाले पे भी इस तरीके से कट्स लगा लेते हैं और बाकी सब पे भी एक ही बार में आप कट्स लगा लेंगे ना तो सारा नाश्ता एक ही बार में बन के तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे तीनों कट्स मैंने सब जगह लगा लिए हैं ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए अच्छे से उठ जाएगा और अब मैंने यहाँ पे मैदा और पानी का एक घोल तैयार किया था वो मैं इसमें डाल देती हूँ मतलब एक चम्मच मैदा लीजिए और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए उसके अंदर बस वो घोल जो होगा ना गाढ़ा गाढ़ा सब वही आपको इसमें लगाना है इसकी सारी एजस पे आप लगा लें और अब जो हमने आलू का और मटर का मिश्रण बनाया था वो आप इसमें प्लेस कर दें अब तो हम इसकी फोल्डिंग टेक्निक पे आते हैं थोड़ी सी वैसी है मतलब आपको देखनी पड़ेगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है बहुत आसान है बस एक बार देख लें तो कुछ इस तरीके से मैंने तिकोना इसको फ़ोल्ड किया है और जितना आलू बाहर निकला वो मैंने वापस अंदर कर दिया है और इसके बाद मैं इसको अच्छे से बंद कर देती हूँ मतलब सील कर देना है अच्छे से इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरा वाला भी सील कर लिया है और बाकी सारा भी मैं इसी तरीके से सील कर दूँगी तो वैसे तो दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं ये तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं हम इसका अब क्या करेंगे अब हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ से भी सील कर देंगे ताकि ये जो फिलिंग है ना ये बाहर ना निकले तो यहाँ पे आप चाहें तो मैदे का घोल लगा सकते हैं मैंने यहाँ पे लगा लिया था इसकी एजेस पे भी और बस इसको अब हम अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे और ये लीजिए हमारा पहला तो तैयार भी हो गया वाह दिखने में तो ऐसे ही सुंदर लग रहा है जब ये पकता है ना तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है तो इसी तरीके से मैंने बाकी सारे बना के रख लिए हैं शेप तो इतनी क्यूट आई है इतने छोटे से हैं और तो क्यूट से लगते हैं आप चाहें तो थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं लेकिन ये चाय के साथ ऐसे इतने छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं तो बस अब मैं ऐसे मीडियम फ्लेम का तेल है मतलब बहुत ज़्यादा तेल हाई नहीं है गर्म नहीं है और इसको हम इसी में पकाएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा तेज गरम में पकाएंगे ना तो फिर वो पक नहीं पाएगा अंदर तक ऊपर का ही पक के और फुटकी पड़ जाएगी हमने इसमें फुटकी नहीं लाने देनी है इसीलिए हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाते रहेंगे करीबन 10 से 12 मिनट तक के लिए तो बस आपको ना इसी तरीके से गर्म तेल जैसे होता जाएगा तो आपको तेल को ऊपर ही पोर करते जाना है और इसको अलटते पलटते इसको पकाते चले जाना है तो ये लीजिए हमारे आधे से ज़्यादा पकने शुरू हो चुके हैं इसको अब हम पलट देंगे और ये देखिए अलटते पलटते ये कुछ गोल्डन कलर का आ गया है कलर इसमें अब इसको थोड़ा सा और पकाते हैं ताकि बिल्कुल क्रिस्पीनेस हो जाए अभी तो ये सॉफ़्ट रहेगा तो बस इसको दो मिनट और पकाएंगे हम ताकि ये इसी तरीके से हो जाए और ये देखिए एकदम क्रिस्पी वाला गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है देखने में ही लग जाता है कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है तो बस इसको हम हम निकाल लेते हैं ये देखिए शेप बिल्कुल वैसी की वैसी है और इतनी सुंदर लग रही है देखने में मैं आपको दिखाती हूँ उसको निकाल के ये लीजिए मैंने सारे निकाल लिए हैं एक ही बार में तो आठ आठ नौ नौ बन जाते हैं तो बस इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं चटनी के साथ या सॉस के साथ तो ये ज़बरदस्त लगते हैं साथ ही साथ हरी मिर्च भी फ्राई करके डाल देंगे ना तो और मज़ा आ जाता है लोग देख रहे हैं कितना टेस्टी लग रहा है दिखने में ही इतना क्रिस्पी लग रहा है और ये अंदर से सचमुच बहुत क्रिस्पी है तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ तो ये रहा हमारा एक छुटकू सा नाश्ता जो हमने अभी अभी तैयार किया है एकदम गरम-गरम है नरम नरम है लेकिन ओ ऊपर से तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से ना आलू की स्टफिंग इतनी टेस्टी है कि हर कोई इसको पसंद करेगा ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना थैंक यू